नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 13 सितंबर 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज क्या विशेष रहने वाला है। आज सोमवार व्रत है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ और लाभप्रद मानी गई है। आज दुर्वा अष्टमी भी है, यानी आज भगवान गणेश की पूजा भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है, जो कि सुबह 6:09 से और 8:23 तक रहेगा। यह योग अत्यंत शुभ फलदायी है। इस योग के अंदर हमारे सभी कार्य शुभ और प्रसन्न होते हैं। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार सोमवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह भाद्रपद माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी तिथि, नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, जो कि सुबह 8:23 तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग विश्वकुंभ योग सुबह 8:50 तक रहने वाला है, जो कि अशुभ योग माना गया है। उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा, इसे शुभ योग माना गया है। करण वणिज करण दोपहर 3:11 तक, उसके बाद वृष्टिकरण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:09, सूर्यास्त शाम 6:24, सूर्यदेव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय दोपहर 12:32, चंद्रास्त रात 11:05। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि मानी गई है। आइए बात करते हैं शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले सुबह 4:32 से 5:20। आज के दिन यानी ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने ईष्ट देव की आराधना, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि और स्वयं सिद्धि कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 11:52 से 12:41 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो अभिजित मुहूर्त में हम अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दिन के चौघड़िये की, यानी दिन आप सूर्योदय से प्रारंभ करके कौन कौन से चौघड़िये रहने वाले हैं। सबसे पहले सूर्योदय से प्रारंभ करते हैं। सुबह 6:09 से अमृत का चौघड़िया, जो कि 7:41 तक रहेगा, अत्यंत शुभ समय है। अमृत के बाद काल अशुभ समय है। 7:41 से सुबह 9:13 तक, काल के बाद शुभ 9:13 से 10:46 तक, शुभ का चौघड़िया अत्यंत शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 10:46 से 12:18 तक रहेगा। रोग का चौघड़िया एक अशुभ समय माना गया है। रोग के बाद उद्वेग 12:18 से 1:48 तक रहने वाला है। उद्वेग का चौघड़िया भी अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चर 1:48 से और 3:22 तक रहने वाला है। चर का चौघड़िया सामान्य समय है। चर के बाद बात करते हैं लाभ, 3:22 से और 4:55 तक रहेगा। लाभ का चौघड़िया शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 4:55 से और शाम 6:24 तक रहने वाला है। इन सभी चौघड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िये अत्यंत शुभ हैं। रोग काल और उद्वेग को अशुभ चौघड़िये की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और गुलिक काल की। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल और गुलिक काल को अत्यंत अशुभ समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हमें इन दोनों समय में शुरू नहीं करना चाहिए। राहुकाल जो है सुबह 7:30 से 9:00 तक रहेगा। गुलिक काल 1:30 से 3:00 तक रहने वाला है दोपहर में। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। जातकों को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर वे यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यात्रा से पहले शुभ फल प्राप्त करने के लिए यात्रा का दिशाशूल का परिहार अवश्य करना चाहिए। यानी आज के दिन दूध को सेवन करके आपको यात्रा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्र पर, यानी शुभ राशियों की। आज की शुभ राशि है वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि। आइए बात करते हैं नामाक्षर, यानी जो भी जातक जन्म लेंगे, नामाक्षर, जन्म पाए और जन्म राशि। जन्म राशि की बात करें तो जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी वृश्चिक राशि रहेगी। नामाक्षर की बात करें तो उनके नामाक्षर रहेंगे ने, नु, या और यी। जन्म पाए की बात करें तो इनका सभी का ताम्र का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।